इंसानों पर आक्रामक हमले के लिए ग्रेट व्हाइट शार्क्स बहुत फेमस हैं, जिसे समुद्र में सबसे खतरनाक जीव भी माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में कुछ दूसरी मछलियां हैं जो शार्क से भी ज्यादा खतरनाक हैं? आज हम ऐसी ही मछलियों के बारे में बात करेंगे। वेल्स कैटफिश। वेल्स कैटफिश फ्रेश पानी की एक बड़ी मछली है जो कजाकिस्तान, चाइना, साउथ टू ग्रीस, टर्की, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में पाई जाती है। इस मछली की लंबाई 5 मीटर तक और वजन 150 किलो का होता है, जो 50 साल तक जिंदा रह सकती है। ये कॉन्टिनेंटल यूरोप में गर्म झीलों और नदियों में रहती है। ये मछलियां मेंढक और पानी में रहने वाले दूसरे जीव खाती हैं। वेल्स कैटफिश आक्रामक शिकारियों में से एक है। इसके रेजर जैसी धार वाले नोकीले दांत होते हैं। आक्रामक होने पर ये इंसानों पर भी हमला कर देती है। इसका आकार और तेज दांत एक बड़ा खतरा हो सकता है। कैंडरोफिश ना सिर्फ खतरनाक बल्कि बहुत जहरीली भी है। अमेज़न नदी में पाई जाने वाली ये मछली छोटे मॉन्स्टर के नाम से जानी जाती है। इसे पेंसिल फिश, टूथपिक फिश और वेम्पायर फिश भी कहते हैं। ये इतनी छोटी होती है कि शरीर के नाजुक हिस्सों पर अटैक करके सीधे अंदर घुस जाती है, जिससे किसी की भी मौत हो सकती है। इलेक्ट्रिक रे दुनिया में पाए जाने वाले इलेक्ट्रिक जीवों में से एक जानवर है। ये 8 से 220 वोल्ट तक बिजली के झटके का उत्पादन करने में सक्षम है। हालांकि ये बिजली के झटके इस पर निर्भर करते हैं कि ये शिकार के लिए है या बचाव। संगमरमर वाली विद्युत किरण से बिजली का झटका 220 वोल्ट तक पहुंच सकता है। इलेक्ट्रिक रे के शरीर में गुर्दे के आकार के 2 बहुत ही प्रभावी इलेक्ट्रोजेनिक अंग होते हैं। ये मांसपेशियों के जरिए बिजली का उत्पादन और भंडारण कर सकती है। इलेक्ट्रिक रे शिकारियों के खिलाफ बचाव और शिकार पकड़ने के लिए बिजली के झटके का इस्तेमाल करती है। समुद्र में मिट्टी या रेत के नीचे रहती है। इलेक्ट्रिक रे का गहरा भूरा रंग समुद्र में शिकारियों से छिपने में मदद करता है। लायन फिश इंडो पैसिफिक और अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। इसके लाल, सफेद, भूरे और काले रंग के बैंड होते हैं। इसे जेब्रा फिश, फायर फिश, टर्की फिश, टेस्ट फिश या बटरफ्लाई कॉड भी कहा जाता है। इस मछली की लंबाई 5 से 45 सेंटीमीटर और वजन 1.3 किलो तक होता है। इसके पेक्टोरल फिन्स और जहरीले स्पाइंस होते हैं, जो बहुत दर्दनाक हैं। लाइन फिश का जहर भी जानवरों के साथ इंसानों के लिए भी खतरनाक होता है। इसके काटने पर बहुत तेज दर्द होता है, साथ ही सांस लेने की तकलीफ और उल्टी भी होती है। पफर फिश दिखने में सुंदर तो लगती है, लेकिन ये बहुत ही जहरीली होती है। जापान, चाइना, फिलीपींस और मेक्सिको में पाई जाती है। ये आकार में ज्यादा बड़ी नहीं होती। ये लगभग 10 साल तक जिंदा रहती है। इस मछली में साइनाइड से भी खतरनाक जहर होता है, जिससे कोई भी जीव या इंसान पैरालाइज्ड हो सकता है। इलेक्ट्रिक ईल अमेज़न और ओरिनोको नदी में रहती है। इसकी लंबाई 2 मीटर और वजन 20 किलो का होता है। ये मछली भी इलेक्ट्रिक रे की तरह करंट छोड़ने के लिए जानी जाती है। इसके शरीर में इलेक्ट्रोसाइट्स नामक 6000 से ज्यादा विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ये मछली अपने शिकार को 600 वोल्ट बिजली के करंट का झटका देती है। इलेक्ट्रिक ईल के बिजली का झटका इतना खतरनाक होता है कि इससे इंसान का हार्ट फेल हो सकता है और उसकी मौत भी हो सकती है। पिरहाना फ्रेश वाटर की एक खतरनाक और जानलेवा मछली है, जो अपने रेजर की तरह तेज धार वाले त्रिकोणीय दांतों के लिए मशहूर है। ये दक्षिण अमेरिका की नदियों में रहती है। पिरहाना हमेशा झुंड में शिकार करती है। ये अपने से बड़ी मछलियों या जीवों का शिकार करती है। एक भूखी पिरहाना इंसानों पर हमला कर सकती है। अमेज़न में इंसानों पर हमला करना पिरहाना के लिए आम बात है। बॉक्स जेलीफिश। ये मछली एशिया, कैलिफोर्निया, जापान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में पाई जाने वाली एक पारदर्शी जेलीफिश है, जो पानी में 7.4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तैर सकती है। पानी में इसे देखना मुश्किल होता है। बॉक्स जेलीफिश नेमेटोसाइट्स जहर पैदा करती है, जिससे पहले दिल काम करना बंद कर देता है, धड़कन रुक जाती है और फिर मौत हो जाती है। हर साल 100 लोग इसके हमले का शिकार होते हैं। बुल शार्क। ये दुनिया की सबसे खतरनाक शार्क में से एक है। ये सदर्न ब्राजील, मोरक्को, एंगोला, साउथ अफ्रीका, कीनिया, इंडिया,
वियतनाम, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ये शार्क बहुत तेज और आक्रामक शिकारी है। दूसरी शार्क की तुलना में बुल शार्क ने इंसानों पर ज्यादा हमले किए हैं। ये कछुओं, पक्षियों, क्रस्टेशियन और डॉल्फिन खाती है। स्टोनफिश, ये दुनिया में सबसे घातक मछलियों में से एक है। इसके पास सुई के समान नुकीले डंक होते हैं जो खतरनाक और बहुत दर्दनाक होते हैं, जिससे जानलेवा न्यूरोटॉक्सिक जहर निकलता है। ये 14 से 20 इंच लंबी होती है। ये दिखने में पत्थर जैसी लगती है। स्टोनफिश उतना जहर छोड़ती है जितना वजन उसके ऊपर पड़ता है। अगर गलती से इसके ऊपर किसी ने पांव रख दिया तो आपका पांव काटना पड़ेगा, क्योंकि इसके जहर से लकवा मार जाता है या फिर समय पर इलाज ना मिलने पर 24 से 30 घंटों में मौत भी हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।